कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़ सारे व्यापार बंद करने की नसीहत तो दी जा रही है, तो वहीं आगरा में शराब के ठेके भी सरकार की अनुमति पर खोले जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़ सारे व्यापार बंद करने की बात कही है, तो वहीं आगरा में शराब के ठेके खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो शराब के ठेके हैं यह भी इमरजेंसी सुविधा के अंतर्गत आते हैं, या फिर यह कहें कि शराब पीने वाले लोगों को कोरोना नहीं लगता है? सरकार ने सिर्फ शराब के ठेके ही खोलने की अनुमति दी है। जिस तरीके से जितने समय के लिए शराब के ठेके खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी जा चुकी है, उसी तरीके से अगर सारे व्यापारों को अपना व्यापार खोलने की अनुमति दे दी जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों को कुछ राहत की सांस मिल सकेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अपने सहयोगी कन्हैया वर्मा के साथ सोनू कश्यप की रिपोर्ट।